अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, फिट फाट होंगे। दोस्तों बात करते हैं स्मार्ट कर्जा लोन एप्लीकेशन की, कि इसका डेटा कैसे खत्म करें और इसको लोन वापस ना करें। तो हम क्या करें, सारी डिटेल बताऊंगा आपको इस वीडियो में, क्योंकि दोस्तों आपको पता है इसके रिलेटेड मैंने काफी आपको अपडेट पहले भी दी हुई है और आज की भी अपडेट आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी, और आज की वीडियो आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी, क्योंकि दोस्तों आपको एंड में मैं जो बताने जा रहा हूँ इंशाल्लाह ताला सुन के आपका दिल बहुत खुश होगा। तो दोस्तों आपको मैं यहाँ पे बताऊं कि ये एक स्मार्ट कर्जा लोन एप्लीकेशन है, ठीक है। हमने इसको डाउनलोड किया हुआ है और आपको मैं लाइव करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है हम इसको जो है सेफ तरीके से जो है हम अपने मोबाइल में रख सकते हैं, और सेफ तरीके से इसको डेटा ना देने के बराबर हम इसको डेटा देंगे और हम इसके जो है लोन प्रोवाइड करेंगे, इसे हम लोन कितना मिलता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ओपन पे हम क्लिक करते हैं। ओपन पे क्लिक करने के बाद आपको पता है यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर इसका खत्म हो जाए, क्योंकि इसका स्क्रीन रिकॉर्डर ऑफ है, मगर फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इसका स्क्रीन रिकॉर्डर खत्म ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स और कंडीशंस मांगी जाती है, आपने एग्री पे क्लिक कर देना है। आपने जैसे एग्री पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे आपसे परमिशन मांगी जा रही है। ये परमिशन जो है इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये सारी परमिशन हो जाती है और उसके बाद यहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपको इतना, यानी कि यहाँ पे आपको नंबर वगैरह आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर देना होता है और उसी नंबर पे आपका ओपीटी आएगा, ठीक है। जो आपने नंबर देना है उसके आपको ओपीटी आएगा, और उसके अलावा यहाँ पे आपने चेक लगा देना है आई हैव रीड एग्री पॉलिसी, ठीक है। यहाँ पे आपने पहले इनको चेक कर देना है, रीड कर देना है, रीड करने के बाद आपने वापसी आने, वापसी आने के बाद यहाँ पे चेक लगा देना, चेक लगाने के बाद यहाँ आपने नंबर लिखना है, ठीक है यहाँ पे, और उसके अलावा यहाँ पे आपने ओपीटी देना है, ठीक है। ओपीटी देने के बाद यहाँ आपने नेक्स्ट कर देना है, तो आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब बात क्या करते हैं यहाँ पे, पहले सबसे पहले डेटा की, कि डेटा आपका कैसे सेफ रहेगा ये चीज मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपने इसकी जो ना जितनी भी परमिशन दी आपने अलाउ कर दी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ऐप सेंटर में आ जाना है। ऐप सेंटर में आने के बाद यहाँ पे ये थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यू है, मगर कोई मसला नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये देखें स्मार्ट कर्जा एप्लीकेशन ओपन हो गई है, स्मार्ट कर्जा एप्लीकेशन ओपन हो गई है, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसकी परमिशन है, ये नोटिफिकेशन है, यहाँ पे इसकी स्ट्रॉन्ग और चीज वगैरह, यहाँ पे मोबाइल वाईफाई वगैरह, मतलब ये सारी डिटेल है। मगर आपने क्या करना है, यहाँ पे जो है ना परमिशन में आ जाना है। परमिशन में आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो परमिशन दी है, अभी जो हमने परमिशन दी है वो परमिशन दी है हमने भाई कॉन्टेक्ट की दी हुई है, और यहाँ पे ये देख लें, ठीक है, कैलेंडर की दी हुई, कैमरा की दी हुई, लोकेशन की दी हुई है, और भी हमें मजीद यानी कि इसकी परमिशन देनी पड़ेगी यहाँ पे फोन की। आगे चल के हम जब लोन अप्लाई करेंगे तो हमें फोन की भी जो है परमिशन देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये होता है कैमरे में, ये होता है कि यहाँ पे आपको मैं कंप्लीट बता देता हूँ, कैमरे में ये होता है जो आप कैमरा यूज करते हैं, जिससे आप पिक्चर वगैरह लेते हैं, तस्वीरें वगैरह लेते हैं, वो सारी जो है इसी एजेंट स्मार्ट कर्जा के पास, इनकी टीम के पास चली जाती है, फौरन उसी टाइम चली जाती है, और जो आपके पास पहले से ली हुई जो तस्वीर वगैरह होती है वो चली जाती है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे डोंट अलाउ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन है, लोकेशन का कोई इशू नहीं है, अगर आप जो है ना चेंज कर लेते हैं या फिर कोई मतलब नहीं, अगर आप इसको डोंट अलाउ भी कर दें तो बेस्ट रहेगा, यहाँ पे आपने इसको डोंट अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कैलेंडर आ जाता है, यहाँ पे आपने इसको फिर से डोंट अलाउ कर देना है, ठीक है। कोई भी परमिशन आपने इस एप्लीकेशन को नहीं देनी, तब देनी है जब आपने पहले अपना पूरा मोबाइल जो है वो सेट कर लेना है। यहाँ आप अपने पूरे मोबाइल में जाना है, इसके जो नंबर हैं, गैलरी नंबर हैं, जितने भी यानी कि आप मोबाइल में जितनी तस्वीरें वगैरह हैं वो सारी आपने हटा देनी है। हटाने के बाद जो है आपने क्या करना है, फिर जो है इसको थोड़ी सी परमिशन अगर ये मांगे दोबारा तो आपने देनी है। इससे पहले आपने एक कोई भी इसको परमिशन नहीं देनी। परमिशन देने से ये होता है, मैंने आपको पहले बता दिया है, आपके नंबर चले जाएंगे फोन बुक के, आपके यानी कि तस्वीर वगैरह चली जाएंगी, उसके अलावा की प्रॉक्सी वगैरह सारी जो है यानी कि ये एक्सेस करता रहेगा और आपको हैरेसमेंट करने के लिए इनके लिए यानी कि वो यूज करेगा, जो आपकी यानी कि आपका डेटा इनके पास होगा वो आपको हैरेसमेंट करने के लिए इस्तेमाल करेगा। अब बात करते हैं क्या इसका डेटा डिलीट होगा या नहीं होगा। देखिए काफी ज्यादा दोस्त जो है नीचे कमेंट्स कर देते हैं वीडियो के भाई हमसे रब्ता करें, हम जो है 2000 लेंगे, 5000 लेंगे, 7000 लेंगे, हम आपका डेटा रिमूव करा देंगे। तो दोस्तों इस तरह बिल्कुल नहीं होता, मैंने आपको एक नहीं हजार वीडियो में बताया, डेटा आपका रिम्यू नहीं होता, डेटा आप सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना पूरा तरीका करके कि आपने इस तरीके से अपना डेटा बचा के रखना है, सेव करके रखना है। इस तरह आप शुरू से आपने कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है या न्यू अकाउंट क्रिएट करना है तो यहाँ पे आपने पहले अपना डेटा यहाँ पे संभाल के रखना है। अब मेन चीज मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई ये लोन है, ये सूद है, इससे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, आपको जो मिलने जा रहे हैं अब मैं आपको ये बता देता हूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये भाइयों वाला मशवरा दे रहा हूँ आपको, टेलीग्राम पे आपने आ जाना है। यहाँ पे ये चैनल है मेरा, ये चैनल आपने ज्वाइन कर लेना है, विथआउट वीपीएन टेलीग्राम आपका नहीं चलेगा, ठीक है। आपने वीपीएन डाउनलोड करना है, टेलीग्राम डाउनलोड करना है, और यहाँ पे मैंने आपको ये डोग क्वीन दिया हुआ था,
इसकी जो है ना मैक्सिमम जो है ना ये 5 वीक में ये लिस्ट हो गया है, 5 वीक ये लिस्ट हो गई। फ्री का यानी कि एक टोकन था, फ्री का टोकन था, इसको हमने क्या किया, विड्रॉ वगैरह किया। यकीन करो हर किसी को जो है ना, किसी को 1.5 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 50,000, किसी को 30,000, किसी को यानी कि 70,000, किसी को 5 लाख तक की इन्होंने लोगों ने यहाँ पे अर्न किए हुए फ्री के। सिर्फ आप कुछ भी नहीं किया इन्होंने, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे ज्वाइन किया है, कुछ भी नहीं किया और फ्री में। ऐसे ही नोट कोइन भी आया था, इसी तरह काफी प्रोजेक्ट यहाँ पे मैंने दिए हुए। आपने इन प्रोजेक्ट पे काम करना है, फ्री में आपने काम करना है, आपको लोन सूद लेने की कोई जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, आपने ये सूद वाले काम छोड़ देने, ठीक है। आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने ये काम आपको सूद वाला काम शुरू से मैंने आपको बता मना किया हुआ है कि आपने ऐसे काम नहीं करने, इसमें आपका जो ना अल्लाह नाराज हो जाता है, हमारा रसूल नाराज हो जाता है, तो इसमें हमें कोई भी फायदा नहीं मिलता, आगे परेशानियों के अलावा हमें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि हम काम ऐसे करते हैं तो हमसे अल्लाह तआला नाराज हो जाता है। तो हमने क्या करना है, सिंपल तरीके से यहाँ क्रिप्टो पे आपने आ जाना है। यहाँ पे थोड़ा सा सबर से काम करना होगा, ये नहीं है कि कभी 2 महीने 3 महीने लेट भी हो जाता है, मगर लेट होने के बाद ये है कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। इसी तरह जैसे कि आपको पता है नोट क्वीन मैंने आपको बताया हुआ था, यहाँ पे भी काफी ज्यादा लोगों ने यहाँ पे क्लेम किया हुआ है और अच्छा खासा ले रहे, 50-50, 60-60 हजार रुपए उनको फ्री में मिले हुए। तो ये 5-5 हजार वाली एप्लीकेशन, 3-3 हजार वाली यहाँ पे लोन लेने वाली एप्लीकेशन से आपको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, ये सिर्फ सूट है और आपको हेरासमेंट करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। और जहां तक बात है अगर आपका डेटा जो है ना खत्म नहीं होता तो क्या आप लोन वापसी ना करें। देखिए अगर आप लोन वापसी नहीं करेंगे तो मैं तो मना करूंगा, आपने बिल्कुल वापसी नहीं करना, मगर क्या है कि ये SSCP से रजिस्टर है, कल को ये हो सकता है कि आप शिनाख्ती कार्ड जो है डाल सकते हैं ब्लैक लिस्ट में, तो आपके लिए नुकसान होगा या फिर आपके शिनाख्ती कार्ड के लिए, इसलिए मैं मना करूंगा कि ऐसी एप्लीकेशन से दूर रहे। आपने क्या करना होता है, मैंने आपको बताया हुआ है पहले कि आपने थोड़ा सा जो है मेहनत करनी है यहाँ पे क्रिप्टो में आके। फ्री की मैंने एप्लीकेशन आई है, अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं लोग, मैंने खुद अर्निंग की हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ 3 से 4 महीने में मैंने यकीन करो कि 1.5 से 2 लाख रुपए मैंने इनसे अर्न किए हुए फ्री में, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, किसी एक टके की इन्वेस्टमेंट नहीं की। तो आपने वही काम करने, आपने बैठ के अर्निंग करनी है, ऐसे 5-5 हजार 3-3 हजार वाली लोन एप्लीकेशन से जो है ना आपने जान छुड़ानी है, वरना ये आप हेरासमेंट करती रहेंगी, डेटा लीक करती रहेंगी, क्योंकि आपका शिनाख्ती कार्ड इनके पास चला जाता है। वरना जो मैंने आपको तरीका बताया हुआ है ना, इस तरीके से जो है ये आपको कभी भी हेरासमेंट नहीं कर सकते, कभी भी आपको तंग नहीं कर सकते, मगर क्या है कि आपको शिनाख्ती कार्ड इनके पास चला जाएगा तो वो जो है अपना आपका जो है ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं या फिर आपको पता है फिर उसमें आपको नुकसान होगा। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताएगा, मिलते इसी तरह वीडियो के साथ मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।